हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला। तो एक बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ आज हम दिन के ब्लॉग शुरू करेंगे। तो सुबह सुबह यहाँ पे बात रखी हमारी गाय, और ये छोटी बच्ची ना कितना उधर की रही है। चुटकू चुटकी और गुड़ तो जाने ना दिनों, कल आपने देखा ही था ना, गाय बिल्कुल पास में जाने नहीं दे रही है, मारने के लिए आ रही है। एक बार मैं फिर से ट्राई करती हूँ। बाबू वहीं बैठे फूं करना। ओ चुटकू देखना, हाँ का खुखार है तो मारने के लिए आ रहा है। लेकिन हमारी बच्ची ना बहुत ज्यादा प्यारी हो रही है, बहुत ही प्यारी, इतनी सुंदर हो रही है ना। चूहू ओ भयंकर मारने नूनो, पतली गली बैठे निकल जाऊं, वह पहले की गली ना तोड़ दियो। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी आमा हो चुकी है बीमार, आज से गए के ना खा रहा, रत्त बैठे कूने, मेरे को रिंगाई लग रही है। अब पता नहीं आज क्या होता है, बहुत दिनों से बीमार। और आमा को सबसे ज्यादा डर मरने का लगता है, अगर इसको मैं बोलूंगी ना मर जाएगी, और चिंता में मर जाएगी कि मेरे मरने के दिन आ गए। आमा शो खा ले, उठ खवा दी छू, कहीं मेरी छुट्टी बढ़ून पड़ रही थे बचून भे। हाँ अमा की हूं ना, बताओ डॉक्टर छने में डॉक्टर देखनी हूं। रिंगा और के ना हरे, और के ना हरे, रिंगा मतलब चक्कर आ रहे हैं अमा को। खुबरी बन गुन ले खुबरी की खा छ अमा के ना खाई रहते तो ले वो चॉकलेट चापसे वो खाज। हाँ है ये नानो आज तो एक काम करो। कौन मल्ली के मल्ली के हितनो प्रणाम जब होता वो अंजल हो लिया होता जो उन का क्या बनो। अच्छा। हाथ गाइन दो ले पे हम अल्लाह ही नंबर ने तो क्या ठीक छे। हां अल्लाह ही नंबर ने छे ले आज तो गुरु दूसरी बच्ची देखनी छे, दीवार वाल उधर को बाटो, वो दीवार देखनी छे। हे देखा लो ये चक्कर है उन और के ना हरे अजाल दे दे हमारा नाम अरे का खत्म कर तबे चक्कर ना, ठीक छे। ये सब देखा लिए इसको दवाई खाने का बहुत शौक है, ये जितनी दवाइयाँ होती है सब खा देती है, बाद में बीमार हो जाती है, और अगर मत खा गएंगे तो इसको गुस्सा आ जाता है। तो गाइस आज हमारे यहाँ पे हो रही है जो हमारा एक्वेरियम है उसकी सफाई हो रही है, मछलियाँ ना टब में निकाल दी है। तो हो गई है दिन, क्या हुआ दिन हो गई है, हम बना रहे हैं और भाभी काटने लगी है रात की सब्जी। अभी दफोरी का भात भी नहीं खाया है और ये सब्जी कट रही है और कटहल भी कट रहा है। भाभी इतनी एक्सपर्ट है, आ जाइएगा खाना खाने, शाम का भी बनाने लग गई है। और तो बामन जी बैठे हम धुत्ती फेर फेरे। ये है एक्वेरियम जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है, इसका पानी देख ही रहे हो ये बहुत ही मैला हो चुका है। तो आज इसकी सफाई हो रही है, इसकी सारी मछलियां अभी निकाल दी है बाहर टब में। यहाँ पे क्या आखा रखी है मच्छर, एक मक्खा पर दूसरी मच्छर आखा दिन ये है 10 मछलियाँ जो कि अभी टब में रख रखी है। ये भी चार अंडा है, वो कौन का ले रहे हो? ये मल्ली आ रही है मम्मी से, तो पता ना चल नहीं पकड़ने आ रही है। कौन का बच्चू उठ के मार लो गाइस, जो ये वाली मछली है ना ये अंधी हो चुकी है लेकिन हाथ में नहीं आ रही है, बहुत तेज है ये वाला। मैं सोचता था भगवान देखे थे ना मिला आंख में ये कौन है वो कई दूसरे मैच चल ना उग आंख है लियोन ये इसकी आंखें ही नहीं है सिबो। ये अब आ लगे ना आग जो की उनमें और चीज ता जान दा हाथ टूट आंख जो की यार। ये मैंने पकड़ी ना ऐसे,
गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी खेत से आ रही थी ना, लेकिन यहाँ पे गेट में ताला लगा दिया, अभी आ ही नहीं पा रही है। बच्चों के लिए लगाया था कि बच्चे बार बार आ जा रहे करके ताला लगाया था, और ती बैठी चढ़ वे रहे ना मम्मी का आई ना नारो और चढ़ वे रहा ऑप्टिकल पार और यहाँ पे क्यूटू पागल कहीं की गुना उठे। ये गेट के इस पार है सानवी, उस पार है खुशी, बीच में लगा है ताला। ऐसे नहीं बोलते गुल्लू, प्यार से बात करते हैं मैनी से। क्यूटू आ रही है ऊपर, आ रही है ऊपर, क्यों इसको नीचे ही पसंद है, क्यों नहीं आ रही है यहाँ देख के बोल, यहाँ देख के बोल, नीचे खेलना है। हेलो गाइस नहीं कर रही है, और इतना कहो ठंडा है रो, मेरे टॉन्सिल हो रखे हैं, और मेरे को लग चुकी है भूख, भूख लग गई है, तो मैं पीऊंगी यहाँ पे दूध जो कि सुबह उबाला था, वही बिगौत वाला, और अभी ना बहुत टेस्टी हो रहा होगा लोहे की कढ़ाई में, और मुझे तो इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरे घुटनों में ना जब से मैं अमरनाथ गई हूँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो लोहे की कढ़ाई में गर्म हुआ है, तो सुबह गर्म हो गया था और अभी तक इसी में रखा है, तो इसमें आयरन है भरपूर मात्रा में जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो मैं भर्री गिलास दूध सन का लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने पुराने वाले घर में ले, और ये थैले लेके जा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना किसी के घर भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो मैं चलती हूँ घर से, अभी ठीक खाने का टाइम हो रहा है, पर मैं भात घर ही आके खाऊंगी। भाभी भात रख देना मेरे लिए, बाय क्यूटू। और ना दोस्तों ये हमारा गाँव है जिसका नाम है मोतियू राज, बहुत बड़ा गांव है, यहाँ से पूरा दिख नहीं रहा, और वहाँ पे है भूमिया का मंदिर वो जो कि अभी अभी नया बना है। यहाँ से रास्ता है ऐसे घूम 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 के वहाँ जाना है, और ये है रवीना लोगों का घर जहाँ पे तेड़े की बेल हो रखी है, और यो ए मेन तेड़ा वो लग रही हूँ मल्ली जो बेल में लागन, बहुत ही खूबसूरत गांव है हमारा। और ये है हमारे गांव जाने वाला बिल्कुल ही पतला छोटा सा रास्ता, आजकल चलने में यहाँ से आदत नहीं हो रही ना, पहले तो इतनी तेज़ तेज जाते थे हम, सीधे हम वहीं खेलने जाते थे तो बहुत ही तेज़ तेज चला करते थे। यह गोबर का खाद, यह है झाड़ की लुट्टी, किसी ने एक लुट्टी बना दी है, और यो कती माल्ट आ रही है, बाकी गांव तो गांव ही है, गांव के तो मजे ही बहुत अच्छे हैं। और ये है मेरी आमा, यहाँ इसने सुखाई है तुलसी, और ये यहाँ पे पीपल का पेड़ भी हो रहा है, यही हमारा पुराना वाला घर पुरानी पट्टी, और ये अज्जू की स्कूटी खड़ी है यहाँ पे, तो अब अज्जू से मिलते हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ भाई के घर, और मैंने ना यहाँ की एक थाली भात भी खा दी है, चाची लोग खा रहे थे, ये एक पूरा टिफिन पल्लियों का खा दिया जो कि मेरा फेवरेट है, और भात पूरा ख़त्म कर दिया है, इतना भात डाला था सारा खा दिया है, तो अब भाई और मैं मारते हैं गप। ये मेरा यूट्यूबर भाई बैठा हुआ है, अब ठीक है, जो ऑल टाइम फ़ोन में ही लगे रहता है अपने काम में बिजी, तो अब मैं रख के आती हूँ उस भात की थाली को, उसके बाद फिर हम गपशप मारते हैं। तो गाइस अज्जू का भी ना यूट्यूब चैनल है, आपको पहले मैं बता ही चुकी हूँ, अननोन ड्रीमर, यह उसका सिल्वर प्ले बटन जो आजकल रोज मेरे हाथ में आ रहा है, क्या पता हो सकता है जल्दी मेरे को मिलने वाला हो, जल्दी मिलेगा, और मन फूल वाला पकड़ चेने मिले ऊक लगे निकल भी रहे, तो देखो दूसरा आ गया एक ही है हफ्ते में हाथ में, ड्रीम बटन मिलेगा हाँ मोटिवेशन मिलेगा, अब आप लोग फटाफट मेरे करवा दो 1,00,000 सब्सक्राइबर्स, और झट्ट मी का ये दिला दो सिल्वर बटन।
तो अब यहाँ पे आ गई है हमारी चाय। आज मेरा खाने का ही काम है, पहले चाची ने खाना बनाया पलेव भात। ये मेरी चाची दाल तो बनाई थी पलेव भात, पलेव में फेवरेट है वो। इन सोचने उनकी यहाँ दाल बना है, दाल ज्यादा वैल्यू छे मीका पलियो बड़े लाग छे। ओ इन सोचने पलियो बनास्ते कि दाल ला बना, दाल ला बना पलियो ले बना। और अब ये चाय लगे मन में रहा है वो हाँ। कल जाएंगे हम घास करने, कल हो सकता है मैं पिथौरागढ़ जाने का प्लान चेंज कर दूं। चाचा और मैं जाएंगे नीलबट। मशीन कौन है ये लाए हैं घास काटने वाली मशीन, तो देखते हैं फिर कल। दिन खत्म हो गया है, भाई मेरे को छोड़ने आ रहा है और हम ऐसे वाले रास्ते से जा रहे हैं, पहाड़ी रास्ता, पहाड़ बाटो। आजकल वो तो घास काट दिया वरना यहाँ पे सांप वगैरह का खतरा रहता है। कितने भूड़ होते थे यहाँ, यहाँ से कई बार गिरे भी हैं पहले, क्यों? पर हम तो हम कहते दादा अच्छे बचपन बैठे यहाँ से जाने की, तो हमारे लिए तो कुछ नहीं है। रास्ता वैसा ही है ना जब लास्ट टाइम देखा होगा जब यहाँ से गिरी होगी तो। थोड़ा नीचे को आ गया, पहले थोड़ा यहाँ था ऊपर, अब थोड़ा यहाँ नीचे आ गया। ओके। भाई को करनी है एडिटिंग, इसलिए अभी जाएगा वापस वापस। इसकी कैंपिंग वाली वीडियो देखना गाइस, वैसे तो देखते ही होंगे सब लोग। मैं तो सस्ती कलाकार हूँ, तो बहुत बड़ा स्टार है और वो एक अच्छा भावी यूट्यूबर, खतरनाक वाली भारी हैवी, ये खतरनाक हैवी ड्राइवर छो दिया, ये दिया है। हेलो कर रहे, बाय बाय कर दे, मिमिक्री है सबकी, मिमिक्री कर सकते हैं। लक्ष्मी का ब्लॉग देख लिया ना तो लक्ष्मी की भी मिमिक्री कर देगी, ये खतरनाक है। चल ठीक है, चलो ओके प्रणाम, कल मिलते हैं अगर। ठीक है ठीक है, ओके बाय। तो मैं आ चुकी हूँ शाम को मम्मी के साथ खेत में घास काटने। ये हमारे बगल का खेत है, इसमें ये हो रखा है मडुआ, मडुआ हाँ, लेकिन मडुए के जो ऊपर के बाले होती है ना वो मम्मी ने, लेकिन मडुए की जो ऊपर की बाले होती है ना वो मम्मी ने काट ली हैं, वो उस दिन मैंने आंगन में दिखाया था। अब ये बचा है नल, जिसको गाय के लिए काटते हैं, टुक्के में जो बाल लगती है उसको काट दिया है। और मैं आई हूँ घास काटने ये, और बहुत सारे लोग कहते थे ना कि तुम्हें घास काटनी आती थी, जब मैंने पिछले वाला वो शॉर्ट्स डाला था। तो मैं आज दिखाती हूँ आपको कि मैं कितनी तेज़ घास काटती हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, मतलब कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मम्मी से भी स्पीड में काटती हूँ मैं घास। अभी मैं दिखाती हूँ आपको काट के। और ये मेरी मम्मी लेके आ गई है कद्दू लौकी, पील काकड़ है रोयो, ये इससे रायता बनाते हैं, ये रायते के लिए है। देखियो कितनी झाड़ काट छू मैं अम्मी, एक ऐसा इसको ऐसे उल्टा कर लूंगी, अब देखना। और अगर आंसे तेज हो तो फिर तो मजा ही आ जाता है। ये देखो ताकत बहुत लगती है लेकिन घास काटने में। बहुत आदमी को नमी का झाड़ काटना ना हो, जिसको पड़म लगाना है बता देना, खूब झाड़ काट दिया मैं तुम लोगों। घास काटने के बाद अब मेरे को चैलेंज मिला है ना, यहाँ पे कद्दू और ककड़ी की बेल है, यहाँ से कद्दू ढूंढना, तो अब देखती हूँ मेरे को मिल पाता है या नहीं। ऐसे ढूंढने पड़ते हैं, एक कद्दू तो मिल गया। यो लेकिन अभी छोटा है, सब्जी नहीं बनेगी, दो दिन के बाद ठीक हो जाएगा। और अब ढूंढती हूँ ककड़ी। ये है ककड़ी और कद्दू का मिक्स झूल। अरे एक में तो मेरा पैर पड़ा, लेकिन ये पीली ककड़ी है जो कि अजीब हो रखी है, पुचकू जैसी। तो हाँ एक ककड़ी दिखी मेरे को ये यहाँ, जो कि बिल्कुल वहाँ छुप रखी है, वो ओफो। लेकिन ये तो सड़ी है गाइस, लेकिन मिली तो सही, ढूंढते हैं क्या पता और मिल जाए। मम्मी सड़ रहे हो अब ना मिली, हालांकि यहाँ के बेल खत्म है, को
अब यहाँ से हमारी हल्दी की खेती शुरू हो गई है। ये पूरी हल्दी है वहाँ तक की। तो यहाँ पे सुबह से शाम हो गई है, आमा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। आए रिंगा रिंगा आ रही है आमा को, चक्कर उन्हों आए मर जाए की। तो आमा झड़ने वाले रहो है, झड़ने है रो ये कला हुन्ना बुढ़िया काल कई और हो इच्छा ना परिवार में भी कदर बहुत है। बात आमा झाड़नी हारनी केना है रोशा ही रिंगा उन्हें बैठ जल ठीक है चली ना भाई दे जी। कहीं झाड़ने वाला नहीं रखा है आमा को ना। हाय गाइस बोल दे, हाय गाइस बोल दे, हाय गाइस बोल। कैसे हो लाटी हूँ मैं।